हाल ही में हिना खान को लेकर ऐसी खबरें आई थीं कि वो अपने को स्टार पार्थ समथान और एरिका फर्नांडिस के साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। यही नहीं, जब पार्थ की बर्थडे पार्टी में हिना नजर नहीं आई तो ऐसी खबरों को और हवा लगी और कहा गया कि एरिका से दरअसल हिना का रिश्ता ठीक नहीं है और इसीलिए पार्थ ने हिना को अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया, क्योंकि वो और एरिका काफी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले पर हिना से सवाल किया गया था तो उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर करते हुए कहा कि वो और एरिका दोस्त नहीं हैं, दोनों काफी प्रोफेशनल हैं। लेकिन अब जाकर इस पूरे मामले पर पार्थ समथान ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। जी हाँ, अपनी बर्थडे पार्टी में पार्थ ने हिना को क्यों नहीं बुलाया? क्या एरिका इसकी वजह है या फिर कोई और वजह है? इस पर हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पार्थ ने खुलकर अपनी बात कही, तो सुनिए क्या कहना है पार्थ का। I like to celebrate my birthday with my loved ones and people I have been working with closely. I had planned it at last minute. I rarely host a party and if I do, I don't like having 200 people over. I prefer an intimate gathering. आगे पार्थ कहते हैं, I have known Erica longer as we have been working in the show since day one. We are good friends and that's why I called her. On the other hand, Hina and I have a very professional relationship. I hardly know her. As we have been shooting for just over a month. I don't even have her number. We respect each other's work, work well together and have a good working relationship. तो सुना आपने, हिना की तरह पार्थ ने भी कहा है कि हिना और वो काफी प्रोफेशनल्स की तरह ही काम करते हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर जहां तक बात है शो की, तो पिछले कुछ हफ्तों में शो ने टीआरपी लिस्ट में अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सब कुछ कोमोलिका की फुल फ्लेजेड एंट्री के बाद ही हुआ है। और अब जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये शो दर्शकों को लुभाने में कामयाब हो ही जाएगा। लेकिन तब क्या होगा जब हिना खान ये शो छोड़ेंगी? ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तब क्या सीरियल की टीआरपी में इजाफा होगा या फिर नहीं। मगर फिलहाल हिना को लेकर सामने आए पार्थ के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।